बलौदा बाजार में बिलाईगढ़ विकास खंड की पूर्व माध्यमिक शाला खमरिया में मिड डे मील में बिच्छू मिलने से सनसनी फैल गई। यहां भोजन करने से करीब एक दर्जन बच्चे बीमार पड़ गए। सभी बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। लापरवाही बरतने के आरोप में कलेक्टर ने स्कूल के हेडमास्टर को निलंबित कर दिया है। बिलाईगढ़ विकासखंड की पूर्व माध्यमिक शाला खमरिया में मिड डे मील में बिच्छू निकलने से बड़ी लापरवाही सामने आ गई। खाना खाने के दौरान एक बच्ची की सब्जी में बिच्छू तैरता नजर आया था, जिसके बाद बच्चों को उल्टी होने लगी। हालत बिगड़ती देख शिक्षक बच्चों को तुरंत इलाज के लिए सामुदायिक केंद्र ले गए। बच्चे पहले खाना खा लिए थे सर, सेकंड राउंड में बच्चियां खाने के लिए परोसा जा रहा था तो किसी थाली में बिच्छू आ गया और फिर खाना तो बंद कर दिए। फिर थोड़ी देर में रिएक्शन चालू हो गया बच्चों को, किसी का पैर दर्द, किसी का छाती दर्द, उल्टी वगैरह, तो फिर तो हॉस्पिटल ले आए सर। तो मैं जब आया तो ट्रीटमेंट चल रहा था और अभी स्थिति सामान्य है। जो बच्चे सामुदायिक केंद्र लाए गए थे उनमें से दो बच्चों की हालत बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में बिलाईगढ़ से आए डॉक्टर देवांगन ने स्थिति को संभाला। करीबन 6 बच्चे जो कि मध्याह्न भोजन खाने के बाद बीमार होकर हमारे हॉस्पिटल में आए और उनमें से दो की स्थिति थोड़ी खराब जरूर थी शुरुआत में, बाकी बाद में ठीक हो गया। उसके बाद हमारा एम्बुलेंस वहां से करीबन 12 बच्चों को फिर लेके आया, जिनकी स्थिति लगभग यहाँ आने के बाद कुछ दवाइयां देने के बाद वो ठीक हो गए। मिड डे मील में बिच्छू निकलने की खबर जल्द ही पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बच्चों के परिजनों ने स्कूल के हेडमास्टर हेमंत साहू पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम लड़का बताए थे कि तो लड़का है, इसने बात है खाना बिछी है पर कहीं से, तो हम आए हैं। अभी क्या हालत है सर नाती की? अभी तो कुछ ठीक है, अब तो जाना हालत है सर बिगड़ गई सर उनके। शासन किस से क्या चाहिए? शासन से हमारे गुरु जी बस गुरु जी से करना चाहिए, गुरु जी मतलब पूरा हटाना चाहिए। दोनों समूह की भी जिम्मेदारी है और वहाँ पे जो अभी नया सर्कुलर जो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया कि सभी शिक्षकों को खाना परोसने से पहले टेस्ट खुद करना भी चाहिए कि बच्चों के खाने लायक है कि नहीं, वहाँ के जो HM जो होंगे उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई करेंगे। अभी पता लगा रहे हैं कि वो उसके लिए उस समय उपस्थित कौन थे वहाँ पे शिक्षक, HM उपस्थित था कि नहीं था, और उसकी जिम्मेदारी बनती है और समूह को भी तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है। मिड डे मील को लेकर पूरे देश में जो लापरवाहियां सामने आई हैं उससे मिड डे मील की छवि मौत के मील की बनती जा रही है। लेकिन गरीबों के वो बच्चे जो खाने की लालच में ही स्कूल आते हैं उनकी जानों से खिलवाड़ बंद नहीं हो पा रहा है। जिंदा है तो इलाज हो गया, मर जाते तो मुआवजे की घोषणा हो जाती। गरीबों के लिए सरकार की सोच इससे आगे नहीं जाती है। संतोष साहू, सहारा समय, बलौदा बाजार।